रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विकास क्लासेज में। दोस्तों आज से हम क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दोस्तों हम इसी तरह चैप्टर वाइज चलेंगे और आपका 3-4 महीने में कोर्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं आप देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा देनी होगी। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गर्मियों के दिन में अगर दूध को खुले में छोड़ देते हैं या किसी भी ढक कर रख देते हैं तो क्या होता है, वो दही में परिवर्तित हो जाता है, ठंडी में दही में परिवर्तित हो जाता है या वो महकने लगता है। अगर आप भोजन को रख देते हैं तो उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो महकने लगता है। आप देखते होंगे कि भोजन को जब रख देते हैं उसमें महक एक प्रकार की आ जाती है, जो फिर मतलब खाना अगर आप खाओगे तो आपको महक दिखाई देगी, यानी आप उसको खा नहीं पाओगे। तो और आप देखते होंगे कि कभी भी कोई लोहा पड़ा हुआ होता है उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी उसका ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसी तरह आप देखते होंगे कि मैग्नीशियम जो है उसका दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं तो हैं। हमारा भोजन पचता है, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। गर्मियों के दिन में जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है। और देखिए जब भोजन को पकाया जाता है फिर भी ऐसा होता है, तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं वो आप देखिए। तो चलिए इसकी परिभाषा हम बनाते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये क्या हैं? तो इसकी परिभाषा सिंपल से आप देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अरे यार मतलब दो पदार्थ ही तो होते हैं, पदार्थ तो सभी होते हैं, मैटर को हम पदार्थ एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है, सबस्टेंसेस। अब देखिए क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को या इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस दोस्तों सिंपल सी परिभाषा है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा, आप देखते होंगे जैसे जल मान लीजिए बनता है, ठीक है, जल क्या होता है, H2O होता है, यानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ही तो होता है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही जल बनता है, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे जल बनता है तो किसके कारण बनता है, H2+O, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। अब यहाँ पर H2O, यहाँ पर पूरा मैं डिटेल बाद में समझाऊंगा आपको, जब कार्बनिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मतलब बॉन्ड वॉन्ड सब अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आप जान जाएंगे कि कैसे ये बनता है। जैसे कि H में एक प्लस होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ, H में एक प्लस होता है और ऑक्सीजन में -2 होता है, तो यहाँ पर -2 को कम करने के लिए दो H की जरूरत होगी, तो इसीलिए H2+O बराबर H2O बन जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, MgO बन जाएगा। इसी तरह आप कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा Ca, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CaO, इस प्रकार आप कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस यही ऑक्सीजन अगर सोडियम से क्रिया करेगी तो Na2O होगा, ऐसे होता है K2O होगा, लेकिन वो क्या होता है, ऑक्साइड नहीं बनाते, सीधे हाइड्रोक्साइड बनाते, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बस आपको इतना समझना होगा बस, ठीक है। अब यह हो गया, अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या होती है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण मैंने ये समीकरण ही तो लिख दिया, यानी किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना ही समीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी क्या होता है, अगर हम इनको क्या संक्षिप्त में लिखे हैं, अगर हम इनको लिखना चाहें तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते नहीं, बड़ा सा एक प्रकार से बन जाता है, तो हम इसको संक्षिप्त में इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, तो यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक पदार्थों को उनके प्रतीकों द्वारा, उनके चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं तथा उसको हम काट कर संक्षिप्त कर देते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण आएगा, सब कुछ हम आपको परिभाषा देंगे, तो आप समीकरण लिख सकते हैं बस। तो यही थी वीडियो, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों चलिए हम समीकरण की परिभाषा आपको दे देते हैं। समीकरण क्या है, संक्षिप्त करना, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं संक्षिप्त करना,
संक्षिप्त करना ही समीकरण कहलाता है। किसी भी चीज को हम संक्षिप्त कर देते हैं वही समीकरण कहलाता है। बस आप इतना याद कर लीजिए तो आप अपने से बना लेंगे कि जब किसी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक पदार्थों को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं, उनके चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं और उनको छोटा कर देते हैं, उनकी अभिक्रियाओं को छोटा कर देते हैं, तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो बस दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, मैं बुक में आपके देख लेता हूँ। रासायनिक समीकरण, अब देखिए जब ऑक्सीजन, यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होता है आप जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। आप जानते होंगे अभिकारक बाईं साइड लिखे जाते हैं और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, यानी अभिकारक आप जानते होंगे क्या है, ठीक है। तो ये अभिकारक हो गए, अब ये दोनों मिले तो H2O बना, इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्साइड से क्रिया हुई तो MgO बना, ठीक है। तो ये सब हम चर्चा करेंगे कि ये सूत्र कैसे बनाना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और चैप्टर वाइज इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो है आपके, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण आपको कैसे लिखना है, बस आपको रासायनिक समीकरण ऐसे लिखना है, यही तो रासायनिक समीकरण लिखना है। बस दोस्तों इस तरह आप कर सकते हैं और इसी तरह हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। तो याद रखना हम डेली आपके लिए एक वीडियो देंगे, तो बस इंतजार करते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।